हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल्डन बार्डिंग। मेरे पास एक छोटा सा रूम खाली पड़ा था, तो मैंने सोचा कि इसमें एक छोटा सा कॉलोनी बना लूँ। देखो, ये जो विंडो था ना, इसमें मैंने जाली भी लगा लिया, ठीक है। और ये जो वॉल है ना, ये वॉल सही नहीं है, ठीक है। इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसके ऊपर ये जो वुड का पट्टी हो रहा है ना, एक कील के सहारे मैं इसको लगा दे रहा हूँ। और वो जो बाट का जो मटकी होगा ना, तो वो इसके ऊपर हैंग होगा, ठीक है। वो वॉल के ऊपर टच नहीं होगा, क्योंकि ये जो वॉल है ना, ये थोड़ा डैम्प होता है, ठीक है। और ये वॉल बहुत पुराना है ना, तो डैम्प होने से क्या होता है, वो जो मटकी होता है ना, वो भीग जाएगा और विंटर सीजन में वो चीक्स मर जाएगा। मेरे घर के बाहर एक जो ट्री था ना, वो मर के सूख गया था, ठीक है। वही मैंने इसका एक ब्रांच काट लिया, तो ये क्या होगा, वो जो रूम है ना, उसके अंदर इसको मैं बैठा दूंगा, तो यही वो बाट्स का पार्ट्स का काम करेगा, ठीक है। इस पे ही वो बाट बैठेगा, इधर उधर घूमेगा। और ये इसका ब्रांच भी बहुत अच्छा है, ठीक है, और बहुत सारा ब्रांच है, और इसका हाइट भी सेम है। तो इसके नीचे वाले हिस्से में मैं कुछ कील ठोक दिया, ठीक है। इससे क्या होगा, ये जब इसके ऊपर मैं जब वो सीमेंट का जो लेयर दूंगा ना, तो ये बहुत अच्छी तरह से पकड़ बनाएगा और हिलेगा डुलेगा नहीं। ओ, ये एक बाल्टी और कुछ ऐसा कुछ चीज़ में इसको डाल के मैं वो सीमेंट दे। देखो, वो जो ट्री का जो ब्रांच था ना, वो घर के अंदर लाने के बाद कुछ ऐसा दिख रहा है, ये एकदम फिट हो गया, एकदम साइज एकदम फिट हो गया। और ये बाट के पार्ट्स के लिए बहुत अच्छा काम करेगा, ठीक है। अभी वो ब्रांच को बाल्टी में लगाने के लिए मैं वो सीमेंट का इस्तेमाल करूँगा। मैं एक वाइट सीमेंट का पैकेट लेके आया, और ये 1 किलो का पैकेट है, ये बहुत अच्छा काम करता है। इस थोड़ा महंगा होता है नॉर्मल सीमेंट से, ये 1 किलो 30 रुपीज़ के आसपास लिया मेरे से, मगर ये बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है। ये एक बाल्टी में पानी लेके इसको पहले घोल लेना पड़ेगा, ठीक है। ये जो सीमेंट है ना, इसको अच्छी तरह से एक बाल्टी में पानी लेके घोल लेना पड़ेगा, ताकि ये जब सूख जाए तो ये बहुत अच्छी तरह से काम करने लग जाए। और वो जो ब्रांच है, वो आप जिस पे भी डालो, वो हिलेगा डुलेगा नहीं, ठीक है, एकदम कंक्रीट की तरह ये बैठ जाएगा। मगर इसके लिए इसको अच्छी तरह पानी में घोल लेना पड़ेगा। फिर दोस्तों, वो बाल्टी में पहले से वो मैंने कंकड़ से भर दिया, ठीक है। उसके ऊपर वो जो सीमेंट का जो वो घोला था ना, वो पानी डाल दे रहा हूँ। इसमें क्या होगा, वो जो कंकड़ के बीच में से वो सीमेंट अंदर चला जाएगा, और जब पानी जम जाएगा ना, तो ये एकदम कंक्रीट की तरह बन जाएगा, ठीक है। और वो जो ट्री का जो ब्रांच है ना, वो सही तरह से उधर बैठ के रह जाएगा, हिलेगा दुलेगा नहीं। आप ऐसे ही पार्ट्स लगा सकते हो, मगर उस पर क्या होगा, वो जो वॉल में आपको कील ठोकना पड़ेगा, ठीक है। मगर ऐसे देने से क्या होगा, ये बाट एक नेचुरल एनवायरनमेंट के तरह रह पाएगा, ठीक है। वो उसको लगेगा कि वो नेचर में ही है। और फिर उसके ऊपर थोड़ा वो सीमेंट और बाली का मिक्सर घोल के उसके ऊपर ठीक तरह से दे देना पड़ेगा। इससे क्या होगा, वो जो कंकड़ मैंने अंदर दिया ना, वो बाहर निकल के नहीं आएगा, और उसका ऊपर वो अनइवन नहीं होगा, इवन हो जाएगा, ठीक है। तो इससे आपका काम बन जाएगा। आप चाहो तो आप ऐसे कर सकते हो। एक ही दिन में सूख के हार्ड हो गया, ठीक है। ये सुबह में मैंने इसको डाला था, अभी शाम को ये पूरा हार्ड हो गया, देख रहे हो, ये पूरा कंक्रीट की तरह जम के बैठ गया। और इससे क्या होगा, वो ये जो पार्ट्स है ना, ये कभी नहीं हिलेगा, और ये बाट इस पर बैठे जो भी कर ले। और ऊपर जो होल था, वो भी मैंने सीमेंट से बंद कर दिया, ठीक है, ताकि कोई बाहर से एक घर के अंदर आ ना सके। तो ऐसे मेरा काम थोड़ा थोड़ा करके चल रहा है, मगर ये 80% काम मेरा हो गया, अभी थोड़ा बहुत काम बाकी है, ठीक है। और ये फाइनल होने के बाद रूम कुछ ऐसा दिख रहा है, देखो, ये मैंने पार्ट जो घर के बीच में लगा दिया, और कुछ ऐसा दिख रहा है।